अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर शेफ शाहिना शमाइल और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। और रेसिपी क्या बन रही है आज जी? बन रही है यहाँ पर मैक्सिकन राइस बन रहा है और मैक्सिकन फजीता राइस बन रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा बहुत ज़्यादा घरेलू डिशेज़ हो गई हैं तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं और कुछ थोड़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के डिशेज़ भी यहाँ पर ट्राई करते हैं। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है बैक्सन कुकवेयर। बैक्सन कुकवेयर की यहाँ पर हमारे पास ह्यूज रेंजेस मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके बर्तन ना सिर्फ ऑल ओवर पाकिस्तान सेल होते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के प्योर अल्मोनियम के इनके बर्तन हैं। और जी जनाब, इनके बर्तन जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वहाँ सेल होते हैं। और प्योर अल्मोनियम के हैवी गेज वेटेड बर्तन हैं जो खाना लगने नहीं देते, जलने नहीं देते और बर्तन काले नहीं होने देते। तो ये है यहाँ पर बैक्सन कुकवेयर। इनकी ह्यूज ब्रांड, इनकी जो है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ कि इनके प्रेशर कुकर्स हैं 3 लीटर 6 लीटर 9 लीटर्स हर साइज़ के अवेलेबल हैं। इसी तरह इनकी कढ़ाइयाँ मौजूद हैं जो कि हर साइज़ की, आपको छोटी, उससे मीडियम साइज़ की, लार्ज साइज़ की और बिग साइज़ की, जिसमें आप दावतों के बड़े बड़े यहाँ खाने बना लें, बड़े बड़े बर्तन इनके मौजूद हैं। इसी तरह से इनकी पतीलियों की वैरायटी है, इसमें इनके इतने बड़े बड़े साइज़ के पतीले तक मौजूद हैं और स्मॉल साइज़ से लेके। तो इनकी और अच्छी सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इनकी लगी हुई है जनवरी की सेल और जनवरी हो गया है बस अब ख़त्म ही, तो आपने अवेल करनी है इनकी, इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना है। और इनकी डील्स लगती रहती हैं। www.baxincookware के नाम से इनकी जो है वो वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। इनका फेसबुक पेज है, इनका इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आपको डील्स का पता चलता रहे, क्योंकि इनकी वक्तन फ़ौक्तन जो है वो डील्स लगती रहती हैं। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। और रेसिपी क्या बन रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ चूल्हा पहले से ही जल रहा है और चूल्हा यहाँ जल रहा है और यहाँ पर हो रहा है पानी गर्म होने, क्योंकि चावल इसका प्रोसेस होता है बॉयल करना। अच्छा, मैक्सिकन फजीता राइस मैं यहाँ पर बना रही हूँ, साथ साथ उसके बारे में बताती चलूँ आपको कि ये राइस जो है वो चाइनीज़ राइस से डिफरेंट है। इनका फ्लेवर चाइनीज़ राइस से डिफरेंट है। आपको इंग्रेडिएंट्स लग रहे होंगे कि सेम है, प्रोसेस लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन फजीता राइस जो है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने जो है वो पानी उबालने रख दिया है और तकरीबन यहाँ पर इसका सिमरिंग पॉइंट आ चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट को, यानी कि नमक हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से, सेहत के और टेस्ट के दोनों के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक इस यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि राइस बॉईल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक हम ज़्यादा डालते हैं। जी जनाब, तो यहाँ चावल मैंने लिए हैं बासमती 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो यहाँ पर मैंने लिए हैं बासमती राइस। और साथ साथ यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो चिकन ब्रेस्ट, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में डायगनल में कट किया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें जाती है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है शिमला मिर्च, यानी कि आप हरी, लाल और पीली तीनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो है वो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन जो है वो शिमला मिर्च मौजूद है 2 अदद। गाजर मैं इसमें डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, वैसे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप हरी, लाल और पीली तीनों शिमला मिर्च उसमें डालेंगे तो आपको गाजर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था और मैं हर जगह जो है वो लाल वाली और पीली वाली शिमला मिर्च हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन मुझे रेसिपी बनानी थी, टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो मैंने सोचा मैं गाजर से कवर कर लूँगी। लेकिन आप अगर पहले से मतलब सोच के रखें और आप मिल रही हो। अच्छा, मेरे साथ भी ये होता है कि मैं जब भी जाती हूँ ऐसी शॉप्स पर, क्योंकि हर सब्ज़ी वाले के पास नहीं होती है अवेलेबल, और येलो बेल पेपर की हम बात करें तो, और जो है वो शॉप्स पे या मॉल्स में ही अवेलेबल होती है, तो मेरा थोड़ा सा जाना नहीं हुआ था तो उस वजह से यहाँ रह गई है। आप कभी जा, मैं जब भी जाती हूँ तो ले कर रख लेती हूँ, आप लोग भी जब जाया करें तो ले लिया करें इस तरह की चीज़ें, जैसे कि सैलरी हो गई, लीक हो गई, इस तरह की जो वेजिटेबल्स हो गई वो आपको पता है कि सिर्फ डिफरेंट शॉप्स होती हैं वहीं मिलती हैं, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं गाजर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी प्याज है यहाँ पर मेरे पास और साथ साथ हरी मिर्चें मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर सॉसेज हैं, यहाँ पर वॉस्टरशायर सॉस 2 टेबल स्पून इस्तेमाल होगी, यहाँ पर है चिली सॉस, चिली सॉस मैंने ली है 5 टेबल स्पून, सिरका लिया है 2 टेबल स्पून, ओरेगानो इसके अंदर जाएगा 1 हाफ टी स्पून, सोया सॉस इसके अंदर जाएगी 5 टेबल स्पून। साथ साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर है, ये जाएगा 2 टीस्पून।
गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, साथ साथ चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लहसुन पाउडर आपके घर में मौजूद नहीं है, गार्लिक पाउडर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो चॉप गार्लिक इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और अदरक इसके अंदर नहीं जाती है। जब हम चाइनीज़ की बात करते हैं, चाइनीज़ डिशेज़ की बात करते हैं, मैक्सिकन की बात करते हैं, तो वो लोग थोड़ा जिंजर स्किप करते हैं, और अगर हम पाकिस्तानी कुज़ीन की बात करते हैं तो क्या होता है कि अदरक तो ज़रूर जाएगी भाई, अदरक लहसुन तो हमने तो ग्राइंड करके रखना है पीस के, और अदरक बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक बात ये है कि अगर हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं, एक तो अदरक से आपको बादी नहीं होती है, और दूसरा ये कि एक तो वेट लॉस करने में मदद देती है, फिर वो अदरक में जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो है एक तो आपका वज़न भी कम होता है, और साथ साथ आपके जो ये नज़ला ज़ुकाम और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कहते हैं ना अदरक वाली चाय बना के पी लो अगर जो है वो तबीयत ख़राब है, और मौसम आपको पता है विंटर्स, तो आप अदरक वाली चाय बना के पिए और बहुत फ़ायदेमंद होती है, इस्तेमाल करनी चाहिए। आ जाते हैं रेसिपी की जानिब। तो यहाँ जो है वो चावलों का पानी हो गया है बॉयल, और मैं अब इसमें डाल रही हूँ चावलों को, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है और चिकन को मैरिनेट भी करना है, तो मैं चावलों को सबसे पहले बॉयलिंग पे लगा देती हूँ। आधा किलो यहाँ पर चावल है मेरे पास, चाहिए जी जनाब, इसको भी हम चावलों का, मैं चावल को रख दिया है मैंने बॉयल करने, और अब हम आ जाते हैं अपनी कटिंग की जानिब। हमें कटिंग करनी है, और हमें जो है वो शिमला मिर्च की कटिंग करनी है, हरी प्याज की कटिंग करनी है, और साथ साथ हमें कटिंग करनी है गाजर की। जी जनाब, तो ले लेते हैं कटिंग बोर्ड और नाइफ। अच्छा जी, एक चीज़ ना मैंने आप लोगों को बताई नहीं है अभी तक, और मैंने जब फर्स्ट जो शोज़ थे मेरे जिसमें मैंने कटिंग आप लोगों को सिखाई थी, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जब आप लोग कटिंग करा करें ना, तो आप अपने बोट आपका स्लिप ना हो, क्योंकि बोट स्लिप हो रहा होता है, आगे पीछे हो रहा होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है जी मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सारा आप या तो गीला टॉवल रख लें, या जो है आप वेट जो है ना वो टिश्यू रख लें। तो यहाँ पर मैं वेट टिश्यू ले रही हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त ये देखें जी, ये यहाँ पर मैंने लिया है वेट टिश्यू, इससे जो है वो मेरा बोर्ड जो है वो स्टिक हो गया, और ये बोर्ड जो है वो स्लिप नहीं होगा, और इस तरह से मेरा हाथ भी नहीं कटेगा। और साथ साथ मैं शिमला मिर्च को बता रही हूँ आपको किस तरह कट करते हैं, बहुत दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है जब भी मैं चाइनीज़ बनाऊँ, मैं कोई कट निकालूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर साथ साथ बताती चलूँ। सबसे पहले जो है वो आपको इसका रूट पार्ट रिमूव करना होता है, और ये आप इस तरह से इसका रूट पार्ट रिमूव कर दें, उसके बाद आप इस तरह से यहाँ पर कट लगाएं, ये देखें ये सेंटर में मैंने कट लगाया। अब ये जो मैं इसका ये वाला पार्ट है, सीड्स वाला पार्ट है, इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, डीसीडेड। हमेशा जो है वो शिमला मिर्च जो जब जाती है किसी भी डिश में, चाहे आप पाकिस्तानी बना रहे हो, चाहे आप जो है वो चाइनीज़ बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो इसको डीसीडेड करना है, इसके जो बीज होते हैं वो नहीं इस्तेमाल होते। हरी मिर्चों को हम बीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको नहीं करते, ठीक है। और अब हम मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे, और फिर मैं इसमें कट निकालूंगी। थोड़ी सी ना इसमें हम फाइन जूलियंस नहीं करेंगे, थोड़ी सी थिक रखेंगे, ताकि वो हम जब उसको फ्राई करें ना, तो वो घुल सी नहीं जाए, थोड़ा सा क्रंच उसका हमें महसूस हो।
चलें जी, ये कैप्सिकम जो है वो हमारी कट चुकी है। साथ साथ हमने काटना है गाजर को, और गाजर को हमें काटने से पहले करना है पील। राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं और हमने क्या करना है जी, इस तरह से आप स्ट्रेट निकाल लें, फिर उसके बाद आप इसके जूलेंस कर लें। अच्छा, आपको मैंने एक बात बताई थी ना कि बोर्ड स्लिप नहीं होगा, तो देखें बोर्ड मेरा बिल्कुल स्टिक है, जैसा मैंने इसको रखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही ये स्टिक है। अच्छा, राइस जो है वो मुझे कुछ बॉयल होते हुए लग रहा है, और मुझे इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, थोड़ी सी मुझे इसमें कसर रहने देनी है। अभी थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, चलिए इसको हम कट करेंगे। कटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और यही होता है कि जब आपको प्रॉपर कट निकालना आ जाता है ना, आपको बड़ी खुशी होती है। तो आपको मैं इसी तरह से सिखाती हूँ कि असल चीज़ होती है नाइफ ड्राइव करना है। नाइफ आपने जब भी ड्राइव करनी है, आप फॉरवर्डली इसको ड्राइव करें, आगे की तरफ आपने इसको ड्राइव करना है। प्रैक्टिस से होता है ये, आपको घर में एक बोर्ड ले लें, आप इस तरह से नाइफ ले लें, लेकिन आप उसमें मस्ट आपने जो है ना इसके अंदर वेट क्लोथ रखना है, या आप इसी तरह टिश्यू पेपर रख सकते हैं। और अगेन चेक करूंगी मैं इसको, राइस को थोड़ा सा इसमें और कैसा है, देखने से लग रहा है कि ये हो गए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। चलिए जी, गाजर तो हमारी यहाँ पर कट गई है और राइस भी हमारे बॉयल हो गए, और मैं कर रही हूँ इसको स्ट्रेन। और जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से मैक्सिकन राइस बन रहे हैं, और मैक्सिकन राइस में बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आज यहाँ पर हम फजीता राइस बना रहे हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ राइस को बॉयल करके यहाँ पर आपके सामने रखी है, कटिंग करी है। दो अदद मैंने ली थी शिमला मिर्च, एक अदद ली थी मैंने गाजर, जिनको मैंने कट किया है। साथ साथ मुझे करना है चिकन को मैरिनेट, और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने बाकी के प्रोसेस की तरफ। चिकन को किस तरह मैरिनेट करेंगे जी, मैरिनेशन करनी है, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी ये चीज़ें हटा दूँ ताकि आपको मैरिनेशन क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ पर है मेरे पास हाफ के जी चिकन है, और थोड़ा सा इसमें पानी है, मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। जी
जी जनाब, तो यहाँ पर है मेरे पास चिकन मौजूद है, स्ट्रिप्स में मैंने कट किया हुआ है। साथ साथ मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून सोया सॉस, ओरिगानो 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, सिरका है यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, चिली सॉस 2 टेबल स्पून और साथ साथ है वॉस्टरशायर सॉस मैंने डाली है इसमें 1 टेबल स्पून। जी जनाब, तो यहाँ पर मैंने डाल दी है सारे स्पाइसेस। सॉल्ट डालूंगी मैं पिंच ऑफ, उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी सॉल्ट सोया सॉस में भी होता है, वॉस्टरशायर सॉस में भी होता है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन पाउडर, तो चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है। और राइस हमें सही सॉल्ट डाल के बॉयल करने में, तो सॉल्ट हम अब इसमें मज़ीद इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकन पाउडर यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें 1/2 टेबल स्पून। तमाम इन्ग्रीडियंट्स डाल के हमने क्या करना है, इसमें इन्ग्रीडियंट्स शामिल करके हम इसको करेंगे मिक्स, और इसको हम रख देंगे मैरिनेट करने। अच्छा, हम जो बनाते हैं राइस बनाते हैं, अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ राइस की ना, तो उसमें हम इस तरह से चिकन को मैरिनेट नहीं करते। एक इसका ये डिफरेंट आपको स्टेप नज़र आया होगा इसमें, और बाकी जो है हम इसमें डिफरेंट जो है वो सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मैक्सिकन राइस चाइनीज़ राइस से बहुत हद तक डिफरेंट है। चलें जी, ये हमने इसमें अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, और अब मैं इसको रख देती हूँ बैक पे, क्योंकि आपको पता है मैं अपनी मैरिनेशन वाली चीज़ें जो है वो बैक पे रखती हूँ। आ जाते हैं अपनी कटिंग की जानिब। अगेन हमने करनी है शिमला मिर्च कर ली है, गाजर कर ली है, अब हमें करना है जी स्प्रिंग अनियन को कट। इसका वाइट पार्ट हमेशा अलग रखते हैं, ग्रीन पार्ट हमेशा अलग रखते हैं। ग्रीन पार्ट हमेशा लास्ट में जाता है, वाइट पार्ट आप फॉर द फ्राइंग हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे प्याज सबसे पहले शामिल होती है। चलिए, यहाँ पर मैं इसे रूट पार्ट रिमूव करा मैंने, हमें कट करना है किसको, ग्रीन चिलीज को। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कम से कम 5 से 6 हरी मिर्चें जो है वो फाइन चॉप करूंगी, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। चलें जी, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना, और सबसे पहले एक वॉक रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वॉक हमने रख दिया है, और सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, देन हम इसके अंदर जो है वो हरी प्याज डालेंगे, उसके बाद हम जो है अपनी मैरिनेट की हुई चिकन डालेंगे, और फिर चिकन को कुक करने के बाद हम सबसे लास्ट में राइस इसमें डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ जो है वो स्टार्ट हुआ है हमारा प्रोसेस, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि बैक्सन कुकवेयर के यहाँ पर कुकवेयर मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी ये कि प्योर अलमोनियम के, ये हैवी गेज के इनके जो है वो कुकवेयर मौजूद हैं, इनके पास तमाम साइज़ के जो है वो कुकवेयर मौजूद हैं, इनके पास मिल्क पैंस, फ्राइंग पैंस, और जो है वो इनके पास कुकर्स, इनके पास जो है वो वॉक्स बड़े साइज के, इनके पास कढ़ाइयाँ हर साइज की, छोटी बड़ी डिफरेंट, और इनकी लगी हुई बहुत ही ज़बरदस्त सी सेल। उस सेल में जो इनकी डील्स हैं वो डील्स इनकी मेल की तरह है, जिसमें एक फ्राइंग पैन भी है, एक मिल्क पैन भी मिल रहा है, कढ़ाई भी मिल रही है, पतीली भी मिल रही है, कुकर्स की भी डील्स है, और बिग अगर आप फुल साइज सेट्स लेना चाहते हैं तो उसकी भी डील्स है। तो आपने विजिट करना नहीं भूलना, www.backsandcookware के नाम से इनकी वेबसाइट है, जहाँ जाके आप एड टू कार्ट कर सकते हैं और इनके प्राइस देख सकते हैं। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की जानिब, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर ऑयल, और ऑयल इसके अंदर तकरीबन मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये स्प्रिंग अनियन का, हरी प्याज का जो है वो ये सफेद वाला हिस्सा, ये
ये जनाब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और साथ साथ ही मैं इसके चिकन को डाल दूंगी। तकरीबन चिकन को जो मैरिनेशन टाइम देना है, आपने वो मैरिनेशन टाइम देना है यहाँ पर 1 आवर। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इसको हाथ के हाथ कर रही हूँ। चिकन को हम मिक्स करके यहाँ पर कर रहे हैं फ्राई। और जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है, जब तक हम कर लेते हैं अपनी ग्रीन चिलीज को चॉप। इसके अंदर जो स्पाइस लेवल हम देंगे वो हरी मिर्चों से ही देंगे, ठीक है। तो हरी मिर्चें यहाँ पर मैं 5 से 6 इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन को आपने फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल फाइन फाइन हरी मिर्चों को आपने चॉप करना है ताकि किसी के भी जो है वो मुंह में जो साबुत साबुत आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लीजिए। चॉपिंग किस तरह होती है, आपने एक हाथ इस तरह रखा, देन ये ये देखें जी, बहुत मजे से मैंने बहुत फाइनली जो है ना ये ग्रीन चिलीज को चॉप कर लिया है। अब फ्राई करेंगे हम अपनी चिकन को। थोड़ा सा चिकन फ्राई होने में टाइम लगता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस एजी टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर आप हमारी रेसिपीज देख सकते हैं। जो रेसिपीज आपसे अब तक मिस हो चुकी हैं, जो यहां पर मैंने बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज बनाई हैं, तो वो आप किस तरह देख सकते हैं। आप सिर्फ कुकिंग विद चाइना वीनस लेके और जाकर मेरी रेसिपीज देख सकते हैं। और साथ साथ मैं बता दूँ कि वीनस एजी टीवी का फेसबुक पेज भी है, वहां जाकर अपना फीडबैक दिया करें और हमें किया करें अप्रिशिएट। और साथ साथ मेरा अपना फेसबुक पेज है शेफ शाहिना शमाइल के नाम से, वहां जाकर भी आप जो है वो उसको विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह की रेसिपीज आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बनाऊं। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ चिकन हो रही है फ्राई। अच्छा, चाइनीज बनाओ या मैक्सिकन खाने बनाओ ना, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। और मैक्सिकन खानों की में एक बात ये होती है कि ये कॉर्न्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है वो प्याज और टमाटर जो मैक्सिकन सालसा बनता है वो भी उसमें ये होता है कि बहुत सिंपल इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत कम इनकी वेजिटेबल्स होती हैं, उसी में अंदर ये बना रहे होते हैं। और अगर हम बात करें ना दोनों चाइनीज़ और मेक्सिकन में क्या सिमिलर है, तो दोनों राइस का बहुत इस्तेमाल करते हैं और टैकोस बनते हैं इनके, वो बहुत मज़े के होते हैं। इंशाल्लाह टैकोस भी मैंने आपको बनाने सिखाने हैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज में हम जो है वो। स्टे ट्यून्ड रहा करें, बस रोज़ाना हमारी रेसिपीज इसी तरह देखा करें और इसी आप लोग देखते हैं तो हम अप्रिशिएट होते हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपीज देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट ये फ्राइंग की तरफ आ रही है। जब तक चिकन फ्राई नहीं होगी सही से, तब तक मैं वेजिटेबल्स को ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जितना भी इसमें पानी है मुझे ये सारा जो है वो कुक करना है। जब आप सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, जैसे आपने वेजिटेबल्स काटी, आपने राइस बॉईल करके रख ली, तो आपका काम बस चंद मिनटों का रह जाता है और फटाफट से ये सारा जो है वो काम हो जाता है और रेसिपी जनरेट हो जाती है। अच्छा, राइस जो होते हैं ना रेस्टोरेंट्स में क्या होता है,
वो चीज़ मैं यहाँ नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि रेस्टोरेंट्स में ये होता है, आपने देखा होगा उनके चावल बहुत खिले खिले होते हैं और थोड़े से क्रिस्पी से होते हैं, थोड़े ड्राई से रूखे रूखे से होते हैं। वो किस तरह होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े थाल ले लेते हैं, बड़े बड़े थाल लेके ना उसके अंदर चावलों को फैला के और चावलों को जब स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ट्रेज होती हैं, उनके थाल होते हैं, उसके अंदर चावलों को फैला के ठंडा करते हैं। जब वो ठंडा कर लेते हैं उसके बाद ये मैक्सिकन राइस हो गए, चाइनीज राइस हो गए, सिंगापुरियन राइस हो गए, फिर वो बनाते हैं, तो उससे चावल जो है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो ये एक टिप है, अगर आप लोगों के पास टाइम टेकिंग हो, आप जो है जैसे मैंने यहाँ पर बाउल इसने डिश में रख के रख दिए, आप बड़ी सी कोई थाल ले लें, ट्रे ले लें, उसे फैला के रख दें, उसको थोड़ी सी हवा लगेगी। अभी तो खैर सर्दियों का मौसम है तो आपको पंखे के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप इसको पंखे के नीचे करें, क्योंकि कमर्शियली जो काम होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जब हम सीखते हैं कोई चीज़ तो वो हमें कमर्शियल तरीके से सिखाई जाती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें अगर यहाँ नहीं भी कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा आप लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगी, फिर जो इस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं तो वो कर लेंगे। चिकन जो है वो कुक हो रही है, इंतजार हो रहा है जी चिकन को कुक करने का, और क्योंकि ये थोड़े से स्ट्रिप्स थोड़े से थिक थे तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना मैं इसको टाइम भी पूरा दे रही हूँ, ऐसा ना हो कि ये अनकुक रह जाएं, ये गले नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैं इसमें ज़्यादा दे रही हूँ इसे। और जस्ट ये ऑयल हमारा जैसे ही ऊपर आएगा तो हम इसमें वेजिटेबल्स वन बाय वन ऐड करना शुरू कर देंगे, और ग्रीन चिलीज मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ। अपना हाथ थोड़ा सा बचाना चाह रही हूँ क्योंकि वो हरी मिर्चों की जो हरी मिर्चें जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और अब मैं इसको हरी मिर्चों में फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, गाजर जो होती है वो थोड़ी सी जो है वो गलने में टाइम लेती है, तो मैं यहाँ पर गाजरों को ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने इसको खोल के ही पकाना है, इसको कवर करके नहीं पकाना। वेजिटेबल्स को आप जब भी कवर करके मतलब पकाएंगे तो आपका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा, वेजिटेबल्स का सॉगी हो जाएंगे। तो बाहर जो होता है हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो सॉगी नहीं हुई वो होती है, उनकी वेजिटेबल्स थोड़ा सा मतलब थिक थिक सी होती है और क्रंच आ रहा होता है, तो वो इसी तरह आता है कि आपने उसको गलाना नहीं है। ये देखें बस, ये मैंने इसको फ्राई किया, कवर नहीं करना इसको, ठीक है। हमने साथ साथ जो है वो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये शिमला मिर्च। अब क्या करना है, हमने वन बाय वन इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। लहसुन का पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, किसी भी काली मिर्चें 2 टीस्पून, चिकन पाउडर मैं अभी नहीं डाली, थोड़ा सा एंड में डालूंगी, ऑरेगानो 1/2 टीस्पून,
इसको फ्राई करेंगे। लिटरली बहुत जबरदस्त यहाँ पर खुशबू आ रही है। और अब बारी है राइस को डालने की। इसमें तो चावल मैं डाल रही हूँ थोड़े थोड़े करके, ठीक है। ये देखिए चावल डाले हैं हमने। ये देखें इस तरह से आपने राइस डाल दिए। जब तक मैं इसमें राइस डाल के मिक्स कर रही हूँ तब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ पर मैंने चावलों को डाल दिया। बाकी की जो वो सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, साथ साथ हमारे पास है चिकन पाउडर, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और अब हम करेंगे इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग। जी जनाब, तो यहाँ पर हमने कर लिया इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग और ये हमारे हो गए फजीता राइस बिल्कुल रेडी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे राइस हो गए हैं तैयार और हम इसको निकालेंगे। लेकिन इसको मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग की है। थोड़ा सा मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा दूँ। तो ये देखें जी, ये हमारे मज़ेदार से जो है वो फजीता राइस तैयार हुए हैं और अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। आप कलर देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। और अब हम इसको निकालेंगे, किसी हम बाउल में भी निकाल सकते हैं इसको, इसको किसी प्लेटर में भी निकाल सकते हैं। और हम इसको जो है वो इसको सर्व हम किस तरह से कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं यहाँ पे सर्विंग के, मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। चलेंगे अब इसको हम प्लेट में रखेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे इसकी। और साथ साथ स्प्रिंग अनियन भी मैं इसमें ऐड करूंगी। सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से और स्प्रिंग अनियन को कट करते। चलेंगे थोड़ा सा हम जो है वो आज जो है वो कटिंग हमने बहुत ज्यादा की है क्योंकि ये इस तरह की डिशेस में कटिंग ज्यादा होती है। चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं गाजर के कुछ फूल और ये मैं इसकी साइड्स में लगा रही हूँ।
जी, तो गाजर के हमने कुछ फूल यहाँ पर लगा दिए हैं और साथ साथ टॉप पे हम रखेंगे इसको कैप्सिकम के जो रूट पार्ट को, और साथ साथ हमने अब स्प्रिंग अनियन जो है वो इसमें कट करनी है। ग्रीन पार्ट हमेशा से लास्ट में डलता है। और ये ग्रीन पार्ट जो है मैं इसके साइड में फॉर द पर्पस ऑफ प्लेटिंग यूज कर रही हूँ, और बाकी का जो ग्रीन पार्ट है वो हम डालेंगे अपनी डिश में। ये इस तरह से आपने ग्रीन पार्ट इसमें डालना है। और जी जनाब, तो हमारी आज की बहुत ज़बरदस्ती प्लेटिंग भी हो गई है और डिश भी हमारी तैयार हो गई है। इसको क्लीन करते हैं। जी हमारी डिश तैयार हो गई है और इसके साथ ही साथ मेरे जाने का वक्त हो गया है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी, हमारा प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहा है बैक्सन कुकवेयर ने, आदम सिक्योरिटीज़ ने, और इसके साथ ही साथ मेरे जाने का वक्त हो गया। और आपने इनका पेज विज़िट करना नहीं भूलना है, इनकी वेबसाइट विज़िट करना नहीं भूलनी है, और साथ साथ हमारी स्क्रीन पर इनकी वेबसाइट, इनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेजेस आ रहे हैं, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ टाइम हो गया है मेरे जाने का, सो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और वीनस HT TV की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।